सिवान जिला के बड़हरिया से एगो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकई पर सबसे पहले रुआ के बता रहल बनी। अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सनसनी खबर आ रहल बा कि दू गो देसी कट्टा चार गो गोली के साथे तीन गो अपराधी के गिरफ्तारी हो गई बा सिवान में। बहुत बड़ा खबर सनसनी खबर रुआ के भोजपुरी खबर के सह प्रायोजक डिज्नीलैंड मेला फतेहपुर बाईपास रोड सिवान राजघराना मेंस कलेक्शन और साड़ी सेंटर शेखर सिनेमा के बगल में आम्रपाली होटल के ठीक सामने हर तरह के साड़ी और मेंस कलेक्शन के लिए पधारें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल तमाम जितना भी भोजपुरी बतकही देखे वाला लोग बा, जितना भी हमरा के चाहे वाला लोग बा, लाखों करोड़ों लोग जितना भी लोग बा सबके फिर एक बार स्वागत बा भोजपुरी बतकही में। और जौन हमारा गीत संगीत के रुआ टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से सुनतनी देखतनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान जिला के बड़हरिया से एगो बहुत बड़ा खबर बिग ब्रेकिंग अभी अभी क्या रहल बा कि बड़हरिया के बहुआरा से तीन गो अपराधी कोनो बड़ा योजना बनावत रहल हसन अपराध के ओ कुल के गिरफ्तारी हो गई बा। जौना कुल के लग से दू गो देसी कट्टा एगो 315 बोर आ एगो 12 बोर के देसी कट्टा दू गो 315 बोर के गोली आ एगो 12 बोर के गोली जिंदा गोली बरामद भइल बा। लगातार थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर जी मामला के सूचना के बाद छापेमारी कर रहल बानी और भी तमाम अपराधी की इतिहास खंगाले खातिर पूछताछ जारी बा। तो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकही पर रुआ के बिग ब्रेकिंग सबसे पहले दे रहल बानी। अपना भाषा के एकमात्र चैनल भोजपुरी बतकही के शेयर करी, सब्सक्राइब करी। अंग्रेजी उर्दू फारसी में तो दुनिया भर के चैनल चल रहल बा, लेकिन भोजपुरी एकमात्र अपना भाषा के चैनल बा। एकरा के प्यार दी, आशीर्वाद दी, सम्मान बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। घटना के बारे में बतावल जाता कि बड़हरिया पुलिस के गुप्त सूचना मिलल हो कि बड़हरिया थाना के बहुआरा गांव में हथियार और गोली के साथे तीन गो अपराधी कोनो बड़ा कारनामा के अंजाम देवे खातिर कसाई टोला रोड में छठी मैया बरगद के पेड़ के पास बाड़सन, जहां सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल समेत पहुँचनी है आ गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार अपराधी जौन बाड़सन उ लगातार बताओ जाता कि कसाई टोला में छठी मैया बरगद के पास सड़क पर आपराधिक घटना के अंजाम देवे खातिर कोनो योजना बनावत रहल हसन। जौन जामो थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में ई कार्यक्रम चलत रहल। साथ ही पुलिस बड़हरिया थाना कांड संख्या 249/22 के तहत मामला दर्ज कैले बा। आर्म्स एक्ट मुकदमा दर्ज करके आ बुलेट कुमार उर्फ दिलीप कुमार, आज़ाद अहमद, पंकज कुमार शर्मा के हिरासत में लेले बा। आ लगातार प्रवीण प्रभाकर जी जौन थानाध्यक्ष बनी पूछताछ शुरू कर दिल बनी और भी मामला के खुलासा के सूचना दिल जाता। विज्ञान केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय को मेरे तरफ से ये रामनवमी 9 वर्ष की एक शुभकामना है। वे स्वस्थ रहें, खुशी रहें, आनंदित रहें और सब मेल मिलाप से अपना जीवन व्यतीत करें। परिचय मैं बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय माता राजकली एकेडमी हाई स्कूल श्रीनगर मैरवा में एडमिशन ओपन बा। लड़कियन खातिर मुफ्त और लड़कन खातिर 50% डिस्काउंट। मेरा विद्यालय इस नगर का बहुत पुराना विद्यालय है और तब से निर्वाह गति से बहुत व्यवस्थित रूप लिए हुए मैंने मैरवा में एक साधन संपन्न विद्यालय है।
अपना भवन है, हवादार सब क्लासेज हैं, हर रूम बिजली से मेंटेन है, पंखा है और सारी सुविधाएं हैं, खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, बच्चों को लाने के लिए स्कूल वाहन अपनी बसेज हैं सब, और सब कुछ मेंटेन है। कहने का मतलब जो भी टीचिंग एड होना चाहिए, जैसे बच्चों को साइंस पढ़ाने के लिए अपना लेबोरेटरी है, पुस्तकालय है, कंप्यूटर रूम है, छोटे बच्चे हमारे प्रोजेक्टर पर सब शिक्षा स्मार्ट क्लास चलता है, और इसके दक्ष टीचर, सभी शिक्षक हमारे यहाँ के क्वालिफाइड हैं और ट्रेंड हैं, तो इसके दक्ष टीचर हमारे यहाँ हैं। अपना सिवान प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और जुमेरात यानी गुरु